Hey guys, क्या हाल है भाई। तो फिर से एक वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे एक अलग सी वीडियो होगी थोड़ी सी। इसमें हम जो जितने भी हमारे बॉस बेब्लेड हैं, जितने भी तो नहीं ये काफी सारे बॉस बेब्लेड हैं, सबको हम डिसेंबल कर देंगे, सबको सारे तीनों के तीनों पार्ट। और फिर जो गाइस हमारे हाथ में जो पार्ट आएगा उसकी हम फाइट करेंगे, उससे हम फाइट करेंगे मतलब। और हम करेंगे 20 बेब्लेड चूज करेंगे, हम 20 बेब्लेड रैंडम बनाएंगे, रैंडम कस्टम मेड जो भी हमारे हाथ में पार्ट आया उसके हिसाब से। और फिर देखेंगे वो कितना अच्छा कर पाते हैं उनके साथ, उनका एक टाइप से ये लगा लो कि एक टूर्नामेंट ही करेंगे हम, यही कह सकते हो भाइयों कि एक टूर्नामेंट ही होगा उनका। तो देखते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ गाइस, जो भी चैनल पे नया है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना बहुत जरूरी है गाइस, लाइक से बहुत अच्छा फील होता है। और हाँ, इस वीडियो पे अगर 2500 या 3000 लाइक आ गए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा गाइस इसका। तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो अभी जो हमारा सारे बेब्लेड जो है वो डिसेंबल कर दिया मैंने, सारों को हटा दिया उनके पार्ट से। और इनमें से हम 20 बेब्लेड हैं, तो 20 बेब्लेड हम देखेंगे, 20 से ज्यादा ही होंगे लगभग। तो इन सबको असेंबल करते हैं, जो मेरे हाथ में आएगा उनसे करूंगा मैं, आंखें बंद कर लूंगा, हालांकि मैं दिखा नहीं सकता हूं आंखें बंद, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि भाई मैं चीटिंग नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो जो हाथ में मेरे ड्राइवर आया, जो डिस्क आई, उसके हिसाब से हम फाइट करेंगे। पहले इनको ऐसे कर देते हैं ताकि सब आपस में मिलते रहें, घुल में चल जाएं, तो मेरे को अलग से पार्ट मिले। और देखना ये होगा भाई, काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा बेब्लेड का पार्ट किस बेब्लेड को जाता है। ठीक है, तो मैं आंखें बंद करता हूं और पहले लेयर चूज कर देंगे इस। ये लेयर हो गई, ये लेयर है ब्रेव वैल्करी की, नाइस। ओके, ये गाइस ब्रेव वैल्करी की है, तो अभी देखते हैं इसके साथ क्या मिलता है हमको। पहले बुचल बुचल कर देते हैं ब्रेव वैल्करी, तो मेरे को चैसी ढूंढनी पड़ेगी, ये भी शायद चैसी लग रही है मेरे को। अरे माफी चाहेंगे गाइस, लेकिन ब्रेव वैल्करी को ब्रेव वैल्करी की चैसी मिल गई, मैं मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि ब्रेव को ब्रेव की मिलेगी। चलो जो भी है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या करते हैं। हमें ड्राइवर ढूंढना है नेक्स्ट, आंखें बंद है मेरी और ये ड्राइवर मेरे को मिला है ये। चलो भाई देखते हैं ब्रेव वैल्करी इसमें क्या कर पाता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बेब्लेड है वैनिश बेब्लेड, ठीक है देखते हैं क्या मिलता है इसके साथ। ये हमको मिली है डिस्क, ओके एक्सकेलिस की डिस्क है, नाइस। अभी ड्राइवर देखते हैं, ओके ये ड्राइवर हमको मिला है, नाइस ठीक है। ये अब देखते हैं भाइयों, ये मैक्सिमम गरुड़ा का ड्राइवर है, देखते हैं इसे क्या कर पाता है। वैनिश बेब्लेड, वैनिश बेब्लेड का तो तड़ा हो गया भाई, सच बता रहा हूँ मैं। वैनिश बेब्लेड की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो चली गई इससे। ओके नेक्स्ट बेब्लेड, मेरे पास दोनों आ गए हैं, मेरे को नहीं पता है कि आ जाएगा इसमें, नहीं आएगा शायद, नहीं डीबी सीरीज में आज तो जाना चाहिए इसको। चलो अभी डीबी सीरीज में एक नॉर्मल डिस्क लगेगी। ओके नेक्स्ट जो इसका ड्राइवर देख लेते हैं, ये ड्राइवर मिला हमको डायनामाइट बेलियल का, भाई ये कुछ अलग बन गया, अरे नाइस। ओके तीन बेब्लेड हो चुके हमारे पास, नेक्स्ट फिर से एक और डिस्क और एक और बेब्लेड आ गया, कौन सा था भाई, गया कहां गया। ओके मिल गया है गाइस, और हमें मिला है अखिलेश विद ये 12 डिस्क है ना, 12 डिस्क। ओके अब इसका ड्राइवर ढूंढते हैं, ये ड्राइवर मिला हमको, ओ इसका ट्राइडेंट स्वॉर्ड नहीं ट्राइडेंट ड्राइवर जो भी करो। ओके ये चार बेब्लेड हो चुके हैं, ये दो मिले हैं, ये क्या है एक्सकेलियस और ड्रैगन का चिप ड्राइवर, नाइस एक्सकेलियस का मिल गया, लेकिन ये एक्सकेलियस उसका है ज़ाइफोर्ड का। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये ड्रैगन है जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ। और ये डेड हेडिस का है, अभी एक डिस्क देख लेते हैं। और ये भाई ये क्या चल रहा है, जो भी है गाइस ऐसे चलेगा अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है गाइस। ड्रैगन विद अजीब सा सिस्टम, चलो जो भी है नेक्स्ट, एक मिनट देख लेता हूँ भाई, ये है इसको लेंगे और इसको लेंगे, नाइस। अभी इसका चेसी ढूंढना पड़ेगा, ये चैसी है क्या, नहीं बेब्लेड है, ये चैसी है, चैसी कैसे मिलेगी भाई, चैसी है भी तो कम है, ये भी बेब्लेड है, ये चैसी है, ओह मिल गई चैसी, नाइस। वर्ड स्पीकर की मिली है लेकिन चैसी मिल गई, ओके ये कुछ अलग बन गया बट बढ़िया। ड्राइवर ढूंढ लेते हैं, डिस्क तो काम आएगी नहीं है इसमें, इसकी डिस्क स्पार्किंग में डिस्क नहीं लगती। ओके ये मिलता है हमको इसके साथ, इसका ड्राइवर जो कि है एक्सकेलियस X3 का। ओके हमारे पास हो गए हैं 3-7 बेब्लेड, अभी और देख लेते हैं, ये दो आ गए हैं हमारे पास, जस्ट अखिलेश विद जेड अखिलेश ड्राइवर, नाइस। 8 बेब्लेड जल्दी जल्दी कर लेते हैं गाइस, समय की खराबी नहीं करने का, ये लेते हैं, अरे ओके डायनामाइट बेलियल ड्राइवर, नाइस। ये पता नहीं क्या कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, नहीं रहेगा गाइस, इसके लिए हमको डीबी डिस्क बननी है, एक डीवी डिस्क है ये। ओके ये मिल गई है हमको, ओ इसी की मिल गई, नाइस। ओके ये दो मिले हैं मेरे को और इसकी लेयर ढूंढते हैं, नाइस। अल्टीमेट वैल्करी भाई आप बता लेगा, अल्टीमेट वैल्करी पूरा वैनिश वेफनियर का डिस्क और ड्राइवर दोनों मिल गए, नाइस। अल्टीमेट वैल्करी आप तो जाएगा सबके भाई, मस्त। चलो 10 बेब्लेड हो चुके हैं, ये लेते हैं, ये ड्राइवर लेते हैं, डीबी का लेना पड़ेगा, ये डीबी का है। ओके ये दो मिलते हैं, तो ये मिलता है इसके लिए पार्ट्स के साथ। 11 बेब्लेड हो चुके हैं गाइस, आप देख लेते हैं हमको मिले हैं, नहीं डीबी डिस्क नहीं लेंगे गाइस, ये नॉर्मल डिस्क का ही लेंगे,
और ये ड्राइवर कौन सा पता नहीं हो चाहिए, लूसीफर का है। मैं देख कुछ भी नहीं रहा, माफी चाहूंगा यार, 8 मिनट तो ऐसे चूज करते नहीं करके भाई, ये तो गलत है यार। फिर फाइट कैसे करेंगे, बोरिंग हो जाएगा ऐसे तो भाई। चलो ये हो गए हैं कितने, 4, 5, 5 और 5, 10 और 12, 12 पीरियड हो चुके हैं। 14 करेंगे, 16 करने पड़ेंगे कम से कम टूर्नामेंट के लिए, तो और चूज करते हैं। ये लिया है, इसके साथ ये डिस्क लेते हैं, और ये ड्राइवर है एक्स, वाओ अकेलीस का, जस्ट अकेलीस का। उसके बाद ये मिल गया मेरे को, ये कौन से हैं, ट्राइडेंट, ओके एक ये चाहिए, हो गया भाई ट्राइडेंट पूरा डिस्ट्रॉयर के साथ। ओके नेक्स्ट, कोई अच्छा नहीं मिला। ओके इनमें से एक तो बन जाना चाहिए ना, दो बन जाएंगे शायद, एक बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, ये दो आ गए हैं हमारे पास, ये दोनों पार्ट्स निकालेंगे अलग से। और उसके अलावा हमें चाहिए डिस्क, एक डिस्क आ गई, और ये आ गई दूसरी डिस्क, ये यार डीबी नहीं चाहिए। ओके फिर से डीबी, चलो भाई इस पे लगाते हैं डीबी, और ये ड्राइवर जेनेसिस वेल ट्रैक पे, नाइस। उसके बाद वंडर वेलकरी पे लगाते हैं हम ये वाला मोड, और देखते हैं भाई अब 14 पीरियड हो चुके हैं, दो और चूज करने का, इस देख लेते हैं अभी, ये दो मिले हैं। ओके इनको लगाते हैं भाई, वर्ल्ड स्प्रिगन और वेरिएंट रिसीवर, नाइस, अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये ड्राइवर लेते हैं, ओ भाई ये तो कुछ अलग ही होने वाला है गाइस। 15 हो चुके हैं, एक लास्ट बचा है। ये हमको मिला है ये वाला लेंगे, ये वर्ल्ड स्प्रिगन है, सॉरी माफी चाहेंगे, ये क्या कहते हैं इसको, बस स्प्रिगन है। एक डीबी डिस्क ढूंढनी हमको, ये डीबी डिस्क लेते हैं। ओके हो गया है रेडी सिस्टम सब कुछ, और हम हो गए हैं रेडी टूर्नामेंट के लिए। काफ़ी टाइम लग गया बट कोई बात नहीं गाइस, चलता है इतना तो। अरे यार ये तो अंदर कोने में था तभी मेरे हाथ में नहीं आया, नाइस बच गया भाई, ओ नहीं तो वो जीत जाता, खतरनाक है भाई वो। चलो अभी देख लेते हैं इनमें से जीतेगा कौन, नाइस अभी कर लेते हैं फाइट गाइस सबकी सबसे। मेरे ख्याल से इनको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ, और दो जो मेरे को सबसे पहले निकल के आए उनकी फ़ाइट करा देंगे, ये बढ़िया तरीका है ना। ओके गाइस ये छोटा सा डब्बा है इसमें डाल देते हैं भाइयों, या फिर मैं ऐसे ही रख देता हूँ, और हाँ अब मैं रैंडमली उठा लूँगा जो मेरे हाथ में दो बिबलेट आए तो ठीक है। डायनामाइट बिलियर और ब्रेव वेलकरी आए हैं, ब्रेव वेलकरी विद अजीब सा ड्राइवर, बाकी सब ब्रेव का है, और डायनामाइट का भी सेम है, ब्रेव डायनामाइट का ये सब, सिर्फ इसको छोड़ के देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, ये आप पता चलेगा भाई, मस्त मस्त सिस्टम हो जाएगा अभी, रुको गाइस। ठीक है गाइस अब दोनों की फ़ाइट कर लेते हैं, देखते हैं, मेरे फ़ोन कैमरे की बैटरी लो होने वाली है तो बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, लेट्स सी डायनामाइट बेलियल। ये क्या है, कहाँ से आया ये, माफी चाहेंगे गाइस ये एडवर्टाइजमेंट बीच में आ गई। ओके ब्रेव वर्सेस डायनामाइट, लेट्स सी कौन जीता है, एक एक पॉइंट की बैटल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे गाइस, वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी होगी। डायनामाइट बिलियल जीत गया है, इसको रखते हैं साइड में, इसको रखते हैं डब्बे में, हार गया जो। ओके नेक्स्ट जो दो देखते हैं, ये दो आए हैं हमारे पास, जस्ट अकेलीस वर्सेस एक्सकैलिबर, लेट्स सी क्या होता है एक्सकैलिबर का। 3, 2, 1 हो जाए शुरू, फिर से कुछ गिरा भाई हो यार, ये पार्ट कहाँ पे फंस के रह गए, एक और पार्ट निकला था। ओके एक्सकैलियस हारता है और विनर है हमारा। ओके गाइस तो भाई बैटरी बहुत लो है और मुझे नहीं लगता ये वीडियो पूरी हो पाएगी, तो बार बार कट मारने पड़ेंगे, चलो करते हैं जो भी है। जस्ट अकेलीस जीत गया था, अब देखते हैं नेक्स्ट बेबलेट की, नेक्स्ट बेबलेट दो आते हैं हमारे पास, एक है एक्सकैलियस और एक है विनिंग वेलकरी, देखते हैं दोनों का फाइट करके और देखते हैं कौन जीतेगा। क्या दिक्कत है, ओ भाई नॉर्मल डिस्क में ये क्या सीन है, ओहो एक मिनट माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये तो दिक्कत हो गई थी भाई, स्पोर्ट टूट जाती भाई उसकी बेचारे की। चलो अभी शुरू करते हैं, 3, 2, 1 हो जाए शुरू, क्या विनिंग वेलकरी जीत पाएगा अपने वोल्केनिक के बिना, क्या जीत पाएगा ना, वोल्केनिक के साथ भी मुश्किल था अब तो और भी मुश्किल हो गया बेचारे के लिए। तो 3 DB और BU सीरीज के जीत गए भाई, मतलब अभी तक और कोई जीता नहीं है, कमाल की बात है। ओके ठीक है गाइस, वेनिश फैफनियर वर्सेस जेनेसिस वेल्ट्रैक, देखते हैं कौन जीतेगा। वेनिश यहाँ है और जेनेसिस यहाँ है, क्या जेनेसिस टक्कर ले पाएगा वेनिश से, क्योंकि जेनेसिस के पास भी एक स्टेमिना वाला ड्राइवर है अभी, नाइस। लेकिन जो वेनिश है उसके पास भी एक स्टेमिना ड्राइवर ही है, लेकिन जो अपना पुराना वाला होता है इसके पास वो नहीं है, तो देखना ये होगा कि एक्सकैलियस बाजी मार पाता है वेनिश फैफनियर के सामने या नहीं मार पाता।
और मेरे ख्याल से नहीं मार पाएगा यार, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी भाई, हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई। देखते हैं क्या रहता है भाई, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है अभी। ओके, और जीतता है वैनिश ही, तो भाई डीबी सीरीज वाले ही जीतेंगे वो पता है। नेक्स्ट जो दो बेबलेट है उनको देख लेते हैं, ड्रैगन वर्सेस अल्टीमेट वैल्करी, लेट्स सी इनमें से क्या रहता है। अल्टीमेट वैल्करी को हम पहले लॉन्च करेंगे, ड्रैगन को हम बाद में लॉन्च करेंगे गाइस। ओके, ड्रैगन अटैक, ड्रैगन बिना अटैक करे ही गिर गया, क्या दिक्कत है। अच्छा एक क्लिक था दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। इतनी देर बाद लॉन्च करते हुए हम फिर भी ड्रैगन शायद आराम से जीत जाएगा, सॉरी अल्टीमेट वैल्करी शायद आराम से जीत जाएगा, कुछ गलती से यहाँ वहाँ निकल जाता है दोस्तों। ड्रैगन अपनी स्पिन स्टीलिंग का पावर दिखाते हुए दोस्तों, और फिर भी अल्टीमेट वैल्करी जीतता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास वैनिश वेफनियर का ड्राइवर था। नेक्स्ट जो दो हैं उनको देख लेते हैं, पहले सबको एक साथ कर लेते हैं ठीक है। अब एक दो, वर्ल्ड्स प्रिगन वर्सेस ग्रेटर रफाइल, लेट्स सी दोनों में से कौन जीतता है। वर्ल्ड्स प्रिगन का लगभग सही है कॉम्बो, इसका थोड़ा सा अजीब है और शायद ठीक भी नहीं है, देखते हैं। 3-2-1 हो जाए शुरू। ए चीचा, लेट्स सी क्या होता है चीचा के साथ। ओके, बैटरी लो होने वाली है, ये बैटल बीच में ही रुक सकती है दोस्तों। ओके, ग्रेटेस्ट रफाइल है विनर गाइस, चलो बैटरी चार्ज करते हैं फिर से। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट जो बेबलेट है उन पे आ जाते हैं हम, जो भी आएगा हमारे हाथ में। ओके, ये दो हैं डेड हेडीज वर्सेस ट्रैपचून, इन दोनों की कर लेते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी करूँगा मैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, वीडियो भी लेट आ सकती है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बैटरी को चार्ज लगाए जा रहा हूँ, वापस हटाए जा रहा हूँ, यही चल रहा है भाइयों। ओके ओके, अब बहुत जल्दी करेंगे बैटल। नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड फ्रीगन और अखिलेश हैं, इनका भी देख लेंगे अभी, अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए आज तो, सच में कुछ अलग करने के चक्कर में बहुत ही तड़ा कर दिया, बैटरी चार्ज नहीं मिली कैमरे की, दिक्कत हो गई भाइयों। ओके, टैपचून जीत गया भाइयों, और डेड एडीज हारता है एक स्टेमिना ड्राइवर होने के बावजूद। नाइस, वर्ल्ड फ्रीगन वर्सेस अखिलेश, अखिलेश जीत सकता है, कुछ भी हो जीत सकता है। 3-2-1 हो जाए शुरू। वेरिएंट लूसीफर का वो है उसके पास, वर्ल्ड प्रिगन के पास, और अरे शेट भाई, टिकने ही नहीं दिया इसको तो, इतनी जल्दी स्टेमिना खा गया इसका। वर्ल्ड प्रिगन है विनर गाइस, तो बेब्लेड्स में देखो ये 8 विनर हैं, और सिर्फ एक गोल्ड चिप का बेब्लेड है, बाकी सारे स्पार्किंग से ऊपर के हैं भाइयों। स्पार्किंग से ऊपर के क्या है, सिर्फ एक ही स्पार्किंग का है, बाकी सारे वो हैं डीबी और बीयू सीरीज के। नाइस, एक लोता बेब्लेड है ये, तो तालियां होनी चाहिए इसके लिए। नाइस, ओके वापस रखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन आता है हमारे हाथ में, और फिर उनकी करेंगे हम फाइट। ठीक है, लेट्स सी, 1-2-3 हमारे पास है ट्रैपचून वर्सेस अल्टीमेट वैल्करी। नाइस, आप देखते हैं ट्रैपचून क्या कर पाता है अल्टीमेट वैल्करी के सामने। 3-2-1 हो जाए शुरू। ट्रैपचून तोते उड़ा दे, वैसे उड़ेंगे नहीं तो ट्रैपचून से, बट वैल्करी तोते उड़ा दे। ओके गाइस, वैल्करी जो है बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि उसके पास वैनिश वेफनियर की पावर है थोड़ी सी, इसलिए वो वैनिश वेफनियर ने उधारी दी है भाइयों थोड़ी सी, और इसी की वजह से मेरे ख्याल से पूरा टूर्नामेंट जीत जाएगा अल्टीमेट वैल्करी। नाइस, बारी है अल्टीमेट वैल्करी, जीत गया, माफ़ी चाहेंगे। ओके, बारी क्यों कह रहा हूँ, मेरे को रैंडम चूज करने, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, आदत से मजबूर। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओके, ये दो हैं हमारे जेस्ट अखिलेश और ज़ाइफोर्ड एक्सकैलिबर, देखते हैं क्या रहता है दोनों का, इनके पास इनका ओरिजिनल पार्ट नहीं है भाइयों, तो देखना होगा। अखिलेश फिर भी चला लेगा क्योंकि इसके पास जेस्ट अखिलेश है, लेकिन सॉरी जेड अखिलेश का है, लेकिन इसके पास तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ये स्टेमिना टाइप है। नाइस, देखना होगा, अजीब होगा लेकिन मज़ेदार होगा। 3-2-1 हो जाए शुरू। क्या अखिलेश जीतेगा या ज़ाइफोर्ड जीतेगा, देखते हैं भाइयों, दोनों ही स्टेमिना बैटल में चल रहे हैं अभी तो, और मेरे ख्याल से ज़ाइफोर्ड जीत सकता है आराम से। ओके, एक्सकैलियस ज़ाइफोर्ड, द विनर इज एक्सकैलियस। नाइस,
एक्सकैलिबर जीत गया भाइयों। जेस्ट अकली इसको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि इसका कॉम्बो कुछ खास नहीं था इसके लिए, तो हार गया है भाई जेस्ट अकली। नेक्स्ट, नाइस नाइस, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है वेरिएंट लूसीफर वर्सेस ग्रेटेस्ट रफाइल। नाइस, एक और था स्पार्किंग में, दिखाई नहीं है तो कहाँ से आ गया भाई। ओके, ग्रेटेस्ट रफाइल मेरे ख्याल से आराम से जीत जाएगा क्योंकि ये अटैक टाइप है। हाँ, 3, 2, 1 हो जाए शुरू, लेट्स सी क्या रहता है। अरे भाई, अरे अरे अरे, चीचा 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 थोड़ा सा अग्रेसिव मूड दिखाते हुए अपना, लेकिन चीचा को नहीं पता कि बहुत ही बुरी हालत होने वाली है उसकी ग्रेटेस्ट रफाइल के सामने। नाइस, जीत गया है ग्रेटेस्ट रफाइल। सारे बीयू वाले जीतेंगे भाई, बीयू और डीबी वाले। हार गया भाइयों, लास्ट के 4 बेबलेट बचे हैं, इन 4 को देख लेते हैं अभी। ओके, इन 3, 2, 1 एक मिनट गाइस, भाई ये कहाँ से निकला, इसकी तो फाइट ही नहीं हुई या फिर हुई है पता नहीं भाइयों। माफ़ी चाहेंगे गाइस अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो इसमें, क्योंकि ये दिखाई नहीं मेरे को। इनकी कर लेते हैं भाइयों, वेनिश वेफनियर बसेस, ये इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्टेमिना मोड या फिर थोड़ा सा बैलेंस मोड कर लेते हैं, क्योंकि इसके तोते उड़ने वाले हैं मेरे को लग रहा है, फीलिंग आ रही है। वेनिश फेफनियर के सामने नहीं उड़ेंगे वैसे, ये लेफ्ट स्पिन है, वेनिश फेफनियर भी लेफ्ट स्पिन है। नाइस, 3, 2, 1 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अभी पता चल जाएगा स्प्रिगन जीतेगा या फिर वेनिश फेफनियर जीतेगा। स्प्रिगन के तो तोते उड़ गए भाई बहुत ही जल्दी, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस टिप है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है उसके लिए, उसके लिए हाई है भाई। वो हार गया है स्प्रिगन रेक्रियम, वेनिश फेफनियर जीतता है। और नाइस, लास्ट के 2 बेबलेट बचे हैं, इन दोनों की कर लेते हैं। वर्ल्ड स्प्रिगन वेरियन लूसीफर के साथ और डायनामाइट बेरियल अपने ड्रैगन के साथ। नाइस, इन 3, रुको यार, इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओहो भाई, वर्ल्ड स्प्रिगन अपने अटैक मोड में। अरे हाँ, इस पे तो वेलक्री का भी ड्राइवर है शायद, देखना होगा डायनामाइट वेलियल का स्टेमिना ख़त्म कर पाएगा। नहीं, उससे पहले खुद का ही हो गया भाई हो इसके। चलो, जीतता है डायनामाइट वेलियल। दोनों स्पार्किंग बेबलेट भी बाहर होते हैं, अब बचे हैं डीबी और बीयू सीरीज के बेबलेट्स, अब इनकी फाइट करेंगे। 5 कैसे बच गए चचा। अरे भाई, दिक्कत हो गई है तो बहुत बड़ी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या इनका। इस स्प्रिगन ने सारा काम ख़राब कर दिया भाई, सच बताऊँ तो। स्प्रिगन की बैटल थी किसके साथ, वेनिश फेफनियर के साथ थी ना। क्या तो मैं करूँ क्या ना करूँ, एक बैटल दोबारा से कर रहे हैं। नहीं यार, ये तो पूरा मैच ही ख़त्म हो गया भाई। ओहो, मैं एक बेबलेट को निकालूं तो भाई हेट फैलाओगे, इसलिए मैं निकाल नहीं सकता। आंखें बंद करके जो आएगा हाथ में उसको हटा देंगे। ठीक है, इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। डायनामाइट ही गया भाई। चलो, अब इन दो की करते हैं भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा डायनामाइट के लिए, लेकिन मेरे से ही गलती होगी, वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया वो रेक्रियम। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। पहले क्यों नहीं देखा मैंने, पहले देखना चाहिए था भाई शायद। अच्छा, वो एक्स्ट्रा बेबलेट था मेरे ख्याल से, नहीं एक्स्ट्रा भी नहीं था। भाई ये कैसे हो गया यार, अल्टीमेट वेलकरी हार गया। नाइस, ओके, ग्रेटेस्ट फाइल जीतता है। इन दोनों का कर लेते हैं अभी, एक है लेफ्ट स्पिन और एक है राइट स्पिन। लेट्स सी क्या करता है लेफ्ट स्पिन राइट स्पिन के सामने, क्योंकि ये एक्सकैलिबर की। ओके, इस बार लॉन्च होगा गारंटीड, नहीं होगा मेरे ख्याल से, गारंटीड नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। वेनिश फेफनियर को वैसे दिक्कत नहीं होती, वो स्पिन स्टीलिंग करके जीत जाता है, फिर भी हमको अच्छे से करना है। वेनिश फेफनियर ही जीतेगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन एंड में शायद ग्रेटेस्ट रफाइल बाजी मार सकता है, शायद मार सकता है, क्योंकि वेनिश फेफनियर के पास अपना ओरिजिनल कॉम्बो नहीं है अभी, और शायद एक्सकैलिबर भी मार सकता है बाजी, कुछ भी हो सकता है भाई। ये तो हो गया ड्रॉ, अब क्या करें, फिर से करना पड़ेगा। दोनों के पास ही स्टेमिना ड्राइवर था, मुझे नहीं पता था भाई। ओके, इस बार मैं बहुत क्लोजली देखूंगा कौन जीतेगा, क्योंकि इनका क्लोजली ही देखना पड़ेगा, तो मैं अभी बिल्कुल आंखें जुटा के देख रहा हूँ, देखना होगा भाई। ओ, फंस गया है भाई एक्सपीरियंस। वेनिश फेफनियर अपनी स्पिन स्टीलिंग से पूरा फ़ायदा उठाता है भाई, हमेशा ही उठाता है, कोई डाउट ही नहीं है, वो स्पिन स्टीलिंग से जीता है भाई। ओके, इस बार शायद मेरे ख्याल से वेनिश फेफनियर को हार का सामना करना पड़ सकता है, या फिर एक्सपीरियंस को करना पड़ सकता है।
यार यार, मेरे ख्याल से वेनिस जीता है थोड़े से मार्जिन से, बिल्कुल मिली सेकंड से। एक्सकेलियस हारा है शायद। ओके अब इन दो की कर लेते हैं लास्ट बैटल, देखते हैं क्या रहता है इन दो का। वेनिस वर्सेस ग्रेटेस्ट रफाइल इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। सॉरी गाइस, गुचल मुचल हो गया बट कोई बात नहीं। ओके ये लास्ट बैटल है दोस्तों, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड भी कर देंगे जल्दी ही। वो यार एक स्प्रिगन गलत कर गया भाई, पता नहीं कहाँ से आया कैसे आया समझ ही नहीं आया मेरे को, तो बता देना यार कहाँ से आ गया वो, कमेंट में ज़रूर बताना भाइयों। और इसका 2,500 या 3,000 लाइक्स ज़रूर कर देना ताकि हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर ला पाएँ इसका, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ नेक्स्ट पार्ट हम अच्छे से करें, मज़ेदार वाला, और बेब्लेड्स के साथ करें। शायद मैं मेटल फाइट्स कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट रफाइल जीत चुका है ये बैटल। अगर नहीं जीता है तो बताओ कौन जीता है इन दोनों में से। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और हाँ 2,500 से 3,000 लाइक्स जरूर करवा देना ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर ला सकें। तो बाय बाय।